हे एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकेंडरी वेपन्स की एंड देयर गोल्ड एंड प्लेटिनम कैमोस की। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्चर्स की। तो लॉन्चर्स काफ़ी इजी होते हैं अनलॉक करने के लिए अगर आप उनसे ऑलरेडी खेल रहे हो, एक्सेप्ट फॉर D13 सेक्टर। D13 सेक्टर में काफ़ी प्रॉब्लम होती है बाकी दूसरे कैमोज अनलॉक करने में। और थंपर भी काफ़ी ईजी है। इसको और ईजी बनाने के लिए आप अपने पर्क्स में एक लॉन्चर प्लस पर्क आता है वो यूज़ कर सकते हैं, उससे आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। पिस्टल्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है हेडशॉट्स लेने में, अगर आप पिस्टल से खेल नहीं सकते हैं, खेलते नहीं हैं, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। J3 में इजी रहता है, इसका हेडशॉट किल 1 बुलेट में हो जाता है J358 में, तो इसमें काफ़ी इजी रहता है। बाकी और दूसरी गन्स में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, डबल या ट्रिपल टाइप में हेडशॉट्स होते हैं, तो उसे आपको अपने हिसाब से खेलना होगा। MW11 काफ़ी अच्छी गन है और शॉर्ट रेंज में बहुत ही इजी रहती है। लॉन्ग रेंज के लिए इसमें आपको अपने हिसाब से लॉन्ग रेंज का लोड आउट एडजस्ट करना पड़ता है। LKR9 भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फास्ट है, ये बेसिकली एक SMG है। और 50GS बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें वन टैप हेडशॉट होता है। इसमें भी रेनेटी भी काफ़ी अच्छी है। शॉर्टी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देगी आपको लॉन्ग शॉट किल्स करने में, क्योंकि शॉर्टी एक शॉटगन है और शॉटगन में लॉन्ग शॉट किल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं आपको ये लोड आउट दिखा रहा हूँ, इस लोड आउट को देखिए और शॉर्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ इस लोड आउट को यूज़ करिए ताकि आप लॉन्ग शॉट किल्स कर सकें। और कोशिश करिएगा कि डबल टैप्स आप मारें, क्योंकि डबल टैप से ही लॉन्ग शॉट किल्स होती है। और इसका एक और इजी वे है कि अगर आप थर्माइट या मोलोटोव कॉकटेल यूज़ करें तो पहले उनको फेंक के और फिर जब वो डैमेज कर रहे हों तो आप शॉर्टी से डबल टैप करिए, तो उससे आपका लॉन्ग शॉट हो जाएगा। एक ही बार में 2 लॉन्ग शॉट हो सकते हैं, कभी कभी 1 टैप में आप किल्स कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मोलोटोव कॉकटेल और माइट का डैमेज रहता है तो 1 टैप में किल हो जाता है, तो वो इजी हो जाएगा। इसके लिए मैंने मोस्टली रस्ट मैच खेला है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे हार्ड पॉइंट लोकेशंस आते हैं जहां आप एक कॉर्नर पे दूर से खड़े होकर शॉर्टी से किल कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी मीली वेपन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है मीली वेपन्स काफ़ी ईजी थे, जल्दी हो गए। बट बिहाइंड किल और 2 kills 30 times एंड 3 kills 18 times में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बाकी काफ़ी इजी था। और अब क्योंकि मैंने डिमास्कस कॉमर्स सभी गन्स का अनलॉक कर लिया है, तो मैं अब कंसंट्रेट कर रहा हूँ कम्प्लीटली डायमंड कैमोज में। और डायमंड कैमो के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं 5 लोड आउट्स बनाऊँगा, जैसे स्टार्टिंग में असॉल्ट राइफल से कर रहा हूँ, पहली 5 गन्स के 5 लोड आउट मैंने एडजस्ट कर लिए हैं। और उन लोड आउट्स को मैं ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ कि मैं 10 किल्स करके मर के और सेकेंड लोड आउट यूज़ करूँ, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, 5 और फिर रिपीट 1 2 3 4 5, ताकि मैं एक ही मैच में 3 से 4 या 5 या जितनी भी गन्स के मैं 10 किल्स कर सकता हूँ कर लूँ, तो मेरे लिए थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा प्रोसेस। आप भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। बाकी अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, तो अभी मुझे काफ़ी टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू कीप अप विद द प्रोग्रेस एंड बाय बाय फॉर नाउ।